हेलो फ्रेंड, डेलीशियस इंडियन फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और आलू गाजर की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और स्पाइसी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। यह सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है तो देख लेते हैं। मैंने ली है शिमला मिर्च, इसको पानी से अच्छी से धोकर इसको टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरीके से गाजर को भी धोकर छीलकर बारीक टुकड़ों में काट लिया है और आलू को भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मसालों में लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, सब्जी बनाने के लिए दो बड़े चम्मच तेल, मीडियम साइज का एक टमाटर लिया है जो हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच जीरा और एक पिंच हींग। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई लेते हैं, उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग, आधा टेबल स्पून जीरा, उसके बाद ऐड करेंगे प्याज। प्याज को चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी चलाते हुए एक सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद ऐड करेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च, मिक्स कर लेंगे, इसको भी 3-4 सेकंड के लिए पकने देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे शिमला मिर्च, आलू और गाजर, मिक्स कर लेंगे, ढक्कन ढककर मीडियम आंच पर 5 मिनट पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारी सारी सब्जियां तेल में ही अच्छी से भून चुकी है। अब हम ऐड करेंगे मीडियम साइज का टमाटर, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी को अच्छी से मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। एंड हमारे 10 मिनट हो चुकी है। ऐड करेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारी शिमला मिर्च, गाजर और आलू की चटपटी सब्जी तैयार हो गई है। फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में भर भर के शेयर करें। डेलीशियस इंडियन फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।